केरल से खबर आ रही है कि वहां करीब 82 लोगों को टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर हुआ है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग नजदीक से इस केस की पड़ताल कर रहा है। इस बीमारी के बारे में जितनी भी जानकारी आई है उसके मुताबिक यह 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों पर अधिक असर डाल रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस बीमारी की अब तक सही पहचान नहीं की जा चुकी है। यह जानना भी मुश्किल है कि यह चिकनगुनिया या डेंगू के असर से होने वाली बीमारी है या कोई अन्य समस्या है। यह बीमारी किसी भी अन्य वायरल फ्लू की तरह ही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका खतरा 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को बहुत अधिक है। इस फ्लू के 80 से अधिक केस के सामने आते ही गांवों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाने लगा है। इस बीमारी को टोमेटो फीमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीड़ितों को टमाटर के आकार के चकते हो रहे हैं। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।